नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो कई कलाकार हैं, लेकिन कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे किरदार निभाए जो कि लोगों के जहन में आज तक जीवंत हैं। इनमें माँ का किरदार निभाने वाली रीमा लागू को कौन नहीं जानता। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे किरदार निभाए जो लोगों को याद हैं, और बड़े से बड़े एक्टर की उन्होंने माँ का किरदार निभाया है। 21 जून 1958 को पैदा हुई रीमा लागू का असली नाम नयन भबड़े था, और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें रीमा लागू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी मराठी फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार निभाए जो लोगों को बेहद पसंद आए। हालांकि सपोर्टिंग रोल में उनकी अहमियत हमेशा से ही रही, लेकिन उन्होंने जो भी किरदार निभाया लोगों के मन को भा गया। आपको बता दें कि आज हम आपको रीमा लागू के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। आपको बता दें कि रीमा लागू की माताजी मराठी स्टेज एक्ट्रेसेस थी और उन्हें भी काफी प्रख्याति प्राप्त थी। 1964 में मास्टर जी नामक मराठी फिल्म में उन्होंने अपना पदार्पण किया। इसके बाद सिंहासन, जो कि एक मराठी फिल्म थी, इसमें भी उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया। 1980 में आक्रोश नामक फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया, और इसके बाद एक के बाद एक न जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया। आपको बता दें कि 2018 में होम स्वीट होम उनकी आखिरी मराठी फिल्म थी। उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया और इसकी वजह से भी लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। 18 मई 2017 को 58 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन अपने पीछे वह इतनी बड़ी फिल्मों की फहरिस्त छोड़ गई कि आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। 1964 से 2017 तक का उनका कैरियर बेहद अविस्मरणीय था, और वह मुंबई में ही रहती थी और उनका लाइफस्टाइल भी काफी सिंपल था। आपको बता दें कि रीमा लागू के द्वारा निभाए गए रोलों में कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन कुछ ऐसी फिल्में थी जो लोगों को बेहद पसंद आई। वास्तव में उनके द्वारा निभाया गया रोल आज भी लोगों को याद है, और उन्होंने कई फिल्मों में संजय दत्त की माता का रोल निभाया था। आपको बता दें कि वास्तव के रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वी शांताराम अवार्ड दिया गया था। रीमा लागू एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनके एक्टिंग स्टाइल को लोग बेहद पसंद करते थे। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे बढ़िया लगी हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।